हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पुश वर्कआउट लेकर आया हूँ जिसमें हम चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स कवर करेंगे। मैंने लेग्स वर्कआउट भी अपलोड कर दिया है इससे पहले, जिसने नहीं देखा है जाके अभी देख लो। बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि पुश पुल लेग है पर लेग से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरा लेग्स थोड़ा वीक है तो मैं लेग से स्टार्ट करता हूँ। आप भी इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, या तो पुल पुश लेग्स कर सकते हो, या तो पुश पुल लेग भी कर सकते हो, या तो लेग पुश पुल भी कर सकते हो। बेसिकली हमें इस प्रोग्राम में दो बार मसल्स को हिट करने हैं, तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो अरेंज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लो, मैं इसमें फिटनेस वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट हम पहले ट्रेडमिल या साइकिल से स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा चेस्ट हक। इस एक्सरसाइज से हमारे चेस्ट में, बैक में और शोल्डर में अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। इसके बाद हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। बैंड है तो आपके पास अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई भी स्टिक ले लेना, इस तरीके से शोल्डर रोटेशन करना। और अगर आपका हाथ पीछे अगर नहीं जाता है ज़्यादा तो कोई बात नहीं, हाफ लेके भी जा सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा रेयर डेल्स को वार्म करेंगे हम। डंबल से भी कर सकते हो, रेजिस्टेंस बैंड है तो उससे भी कर सकते हो। इसके बाद हम थोड़ा शोल्डर को वार्म करेंगे फ्रंट रेस से, या तो डंबल से कर सकते हो, रेजिस्टेंस बैंड है तो उससे भी कर सकते हो। इसके बाद हम ट्राइसेप्स को भी वार्म करेंगे इस तरीके से, डंबल से भी कर सकते हो, रेजिस्टेंस बैंड है तो उससे भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट है हमारे वार्मअप का साइड रेस। इन सब के जितने भी वार्मअप दिखाए गए इन सब के आपको 2 सेट 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं। चेस्ट का मेन एक्सरसाइज से पहले हम 2 सेट इंक्लाइन पुशअप लेंगे जिसके रेपिटेशन होंगे 20 से 25। चेस्ट का पहला एक्सरसाइज है डंबल प्रेस, इसके आपको 4 सेट करने हैं, रेपिटेशन 10 से 8 होंगे और हर सेट में वेट इंक्रीज करना। चेस्ट का दूसरा एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, जिसको हम पैक डेक भी कहते हैं, इसके भी सेट होंगे 3 सेट, रेपिटेशन होंगे 15। इसमें आपको वेट वही सिलेक्ट करना है जिसके आप 15 रेपिटेशन लगा सकते हो, बेसिकली स्ट्रेट सेट कहते हैं इसको। इसमें आप एक वेट ही सिलेक्ट करोगे और उसको ही 3 सेट तक कंटिन्यू रखोगे रेपिटेशन के साथ। थर्ड एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर का, शोल्डर बारबेल प्रेस, इसके भी आपको 4 सेट करने हैं, रेपिटेशन 12 से 10, एवरी सेट के बाद आपको वेट इंक्रीज करना है और ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर को ग्रो करने के लिए। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर का जिसमें हम सुपर सेट करेंगे। पहला है डंबल लेटरल रेज और साथ में करेंगे रेयर डेल्ट। डंबल लेटरल रेज बेसिकली हमारे जो शोल्डर का जो मिडिल पार्ट होता है उसको हिट करता है, और रेयर डेल्ट हमारे जो शोल्डर के पीछे होता है उसको हिट करेंगे। और इन दो और इसके सेट होंगे हमारे 4 सेट और रेपिटेशन होंगे 15 to 12। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारा ट्राइसेप पुश डाउन। ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप्स को ग्रो करने के लिए। इसके 3 सेट होंगे, रेपिटेशन 12 to 10। लास्ट एक्सरसाइज है हमारा बार डिप्स। ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। ये चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, कोर, ऑलमोस्ट सभी को हिट करता है ये अपर बॉडी का। ये स्ट्रेंथ के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और आपको 3 सेट और रेपिटेशन 15 से 12 करने हैं आपको। जिस रेंज ऑफ मोशन में दिखाया गया आपको भी इसी तरीके से करना है।